चलिए, और अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी भोपाल के बीजेपी कार्यालय, जहां पर लाल सिंह आर्य प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इनको डिस्टर्ब किसी को नहीं करना, माइक दे दो। हेलो, कार्यकर्ता में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग की हमारी कैबिनेट के मंत्री बहन मीना सिंह जी, मोर्चे के हमारे अध्यक्ष सूरज कैरो जी, सिंदौली के हमारे विधायक वर्मा जी, मोर्चे के हमारे अध्यक्ष यशवंत जी, इंडिया के हमारे मित्र अनूप जी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे मित्रगण, बहनों भाइयों, आज हम आप सबके बीच में एक विषय को लेकर 1944 से लेकर 75 साल तक कांग्रेस की सरकारों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के सामाजिक न्याय मंत्री आदरणीय थावरचंद जी गहलोत द्वारा केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रस्ताव लाए। वो प्रस्ताव था कक्षा 11वीं से ऊपर के जितने विद्यार्थी हैं पोस्ट मैट्रिक के, उनकी छात्रवृत्ति में एक बड़ी ऐतिहासिक एक पारदर्शी कदम सरकार लाई है। मैं ये जानबूझकर इसलिए कह रहा हूं, आजादी 1944 में यह छात्रवृत्ति प्रारंभ हुई थी। 57 ईयर देश में कांग्रेस ने राज्य किया, पोस्ट मैट्रिक छात्रावा पोस्ट मैट्रिक के बच्चे स्कूल क्यों छोड़ रहे थे, बैक ड्रॉप क्यों हो रहा था, समय पर छात्रवृत्तियां उनके पास क्यों नहीं पहुंचती, इस पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस पर अध्ययन किया और तय किया कि देश के हमारे एससी के जो बेटे बेटी हैं वो 100% विद्यालय में आए, जो छोड़ गए हैं उनको भी लाने का अभियान चले। और इसलिए आप देखिए कि 1944 से लेकर और अभी कुछ दिनों तक केवल 1100 करोड़ रुपए खर्च होते थे, केवल 1100 करोड़। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अब निर्णय कर लिया कि आने वाले 5 वर्षों में 59,000 करोड़ पोस्ट मैट्रिक के जो बच्चे हैं उन पर खर्च करने का काम केंद्र की सरकार करेगी, केंद्र की सरकार करेगी और 40% प्रदेश की सरकारें करेगी। लेकिन आने वाले 5 वर्षों में केंद्र सरकार की राशि में 5% की वृद्धि हर वर्ष होती जाएगी, यानी कि 60% से बढ़कर वो राशि लगभग 75% तक पहुंच जाएगी, 85% तक, और प्रदेश का अंश घटता जाएगा। अभी तक जो बच्चे इस छात्रवृत्ति से लाभ ले रहे थे वो 60 लाख थे, लेकिन अब एससी के 11वीं से ऊपर के बच्चे इस छात्रवृत्ति का 4 करोड़ बच्चे लाभ लेंगे। पिछले वर्षों में बैकडोर जो हो गया है, बच्चे विद्यालय छोड़ गए हैं, ऐसे 1,36,00,000 बच्चों को पुनः विद्यालय में प्रवेश कराने के लिए सरकार अभियान चलाएगी। अभी जो 17.1
लेकिन 18-19 में सरकार ने प्रयास किया तो 3% 27% तक। इससे ट्यूशन शुल्क होगा, मासिक रखरखाव के लिए पैसा होगा, भत्ता होंगे, शोध टाइपिंग के लिए भत्ता होगा। कुल मिलाकर पूरी अभी तक यह होता था कि प्रदेशों की सरकारों का पैसा समय पर नहीं पहुंचता था, इस कारण से बच्चे कहीं ना कहीं स्कूल छोड़ते थे। उनकी सत्ता तय कर लिया है कि उनका खाता भी बैंक में खोलेंगी, सबसे प्रदेश की सरकार उसमें पैसा डालेगी, फिर केंद्र भी अपना पैसा डीबीटी से खाते में डालने का काम करेगी। सौ करोड़ स्वाभाविक होगा, उनकी जिंदगी भी बेहतर होगी, सरकार के अभियान चलेंगे, घर घर जो बच्चे छोड़ गए हैं पिछले वर्षों उनको फिर से जोड़ना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, थावरचंद जी गहलोत का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और यहां कहना भी चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 45 ईयर कांग्रेस की सरकार